स्वागत है विद्यार्थियों। अगले क्लास में, पिछले क्लास में हमने सर्कुलेशन यानी परिसंचरण के कई सारे टॉपिक्स देखे थे विद्यार्थियों। हमने उस प्रोसेस को समझा था जिस प्रोसेस से ब्लड फ्लो करता है हमारे हृदय से बाहर और फिर हमारे शरीर से हृदय की ओर वापस आता है। उसमें विद्यार्थियों हमने SI नोड और AV नोड के बारे में भी देखा था। SI नोड को कहा जाता है पेसमेकर यानी कि गति प्रेरक। क्यों? क्योंकि यही हृदय को संकुचित करने का यानी कि धड़काने का कार्य करता है। SI नोड का संकेत प्राप्त करता है कौन सा नोड? AV नोड। AV नोड का फुल फॉर्म एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। SI नोड का फुल फॉर्म साइनो एट्रियल नोड। AV नोड जो संकेत प्राप्त करता है वो करता है SI नोड से, और ये AV नोड जो है वो संकेत को कहाँ पहुंचाता है? तो दोनों निरयों में यानी कि दोनों वेंट्रिकल्स में। दो वेंट्रिकल्स है विद्यार्थियों, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन दोनों वेंट्रिकल्स में AV नोड सिग्नल को, संकेत को पहुंचाता है। ये किस प्रकार का संकेत होता है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि विद्युत संकेत होता है, या इसे हम कहें संकुचन का यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का संकेत होता है। इस संकेत से क्या होता है? दोनों निलय यानी कि दोनों वेंट्रिकल जो हैं वो संकुचित होते हैं यानी सिकुड़ते हैं। इनके सिकुड़ने से क्या होता है? रक्त हृदय से बाहर जाता है। जो राइट वेंट्रिकल था, राइट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा और ये पहुंचता है फेफड़ों के पास। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल था उससे प्योर ब्लड निकलता है और वो पूरे शरीर में जाता है। जो ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल से निकल रहा था वो इम्प्योर था, वो लंग्स में जा रहा था, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा था वो प्योर था और वो हमारे पूरे शरीर की ओर वो जा रहा था। जो ऑरिकल्स हैं वो SI नोड के संकेतों के माध्यम से संकुचित होते हैं, और AV नोड दोनों वेंट्रिकल्स को संकुचित करता है। वेंट्रिकल्स को संकुचित करने के लिए ये सिग्नल जो वेंट्रिकल यानी कि निलय में भेजता है वो दो स्पेशल नसों यानी नर्व्स के माध्यम से संकेत जाते हैं, और उन दो नसों के नाम हैं बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर, यानी हिस का बंडल और पुरकिंजे तंतु। ये दोनों उन नसों के नाम हैं जिनसे संकेत कहाँ पहुँच रहे हैं? दोनों वेंट्रिकल्स में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था विद्यार्थियों। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स, यानी हिंदी में इसे कहते हैं रक्त वाहिका। ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका। ब्लड वेसल क्या है विद्यार्थियों? ब्लड वेसल वो पाइप है, ठीक है, वो पाइप है ब्लड वेसल जिसके माध्यम से रक्त यानी कि ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल वो पाइप है जिसके द्वारा ब्लड फ्लो करता है। कहाँ फ्लो करता है? हमारे शरीर में। किस ओर फ्लो करता है? तो चाहे तो शरीर के भागों की ओर फ्लो करेगा, ठीक है, जो फ्लो होगा विद्यार्थियों वो किधर होगा? शरीर की ओर होगा, या फिर हृदय की ओर होगा। अब जो ब्लड वेसल है विद्यार्थियों, ये ब्लड वेसल दो प्रकार के हैं। एक को कहा जाता है आर्टरी और दूसरे को कहा जाता है वेन। वेन को हिंदी में कहा जाता है विद्यार्थियों सिरा, और आर्टरी को कहा जाता है धमनी। ठीक है, तो आर्टरी और वेन दो ब्लड वेसल है यानी कि रक्तवाहिका है। रक्तवाहिका यानी कि वो पाइप हमारे शरीर में, पतले पतले पाइप जिनसे रक्त प्रवाहित होता है, दो प्रकार का, आर्टरी और वेन। आर्टरी की बात की जाए विद्यार्थियों तो इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है यानी कि प्योर ब्लड इसमें फ्लो करता है। अब शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है किसमें? तो आर्टरी में यानी कि धमनी में। इसमें एक एक्सेप्शन है विद्यार्थियों, और एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन यानी अपवाद। जो दिए गए तथ्यों से या दिए गए नियमों से
भिन्न हो, अलग हो, वो उन नियम को नहीं मानता हो, वो उन सिद्धांतों पर काम नहीं करता, वो उस तरीके से काम ना करता हो, वो कुछ अलग तरीके से काम करे, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। तो जितने भी आर्टरी हैं, कई सारे आर्टरी हैं हमारे शरीर में, हाथों में अलग, उंगलियों में अलग, सिर में अलग, जीभ में अलग, आँखों में अलग, कान में अलग, तो कई सारे आर्टरी हैं, ठीक है। उन हजारों आर्टरी में से सिर्फ एक आर्टरी है जो अपवाद है, ठीक है, और वो आर्टरी है विद्यार्थियों पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। मैंने आपको हार्ट का डायग्राम समझाया था, ठीक है। यहां से विद्यार्थियों राइट वेंट्रिकल से जो पाइप निकलता है विद्यार्थियों, यही होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। तो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी क्या है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, क्या इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित नहीं होता है, तो इसका जवाब है नहीं। इसमें कैसा रक्त प्रवाहित होता है, इसमें प्रवाहित होता है अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड। हृदय में मैंने आपको बताया था ये हमारा सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा, ठीक है, और यहां से आता है कौन सा ब्लड, प्योर या इम्प्योर, तो यहां पर आता है इम्प्योर ब्लड। यहां पर कौन सा वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, तो ये इम्प्योर ब्लड जो है, ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड हमारे राइट ऑरिकल से जाता है राइट वेंट्रिकल में, तो यहां पर इम्प्योर ब्लड, और यही इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से निकलता है और वहां से निकलने के बाद ये पहुंचता है लंग्स में, ठीक है, यहां से ये पहुंचता है लंग्स में और यहां प्यूरिफिकेशन होता है। तो एक्सेप्शन कौन है विद्यार्थियों, एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, और एक्सेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रश्न है वो एक्सेप्शन से अधिक पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन था विद्यार्थियों। इसके बाद आर्टरी की कुछ और विशेषता है, एक और विशेषता है कि आर्टरी, ठीक है, जैसे मेरे हाथ में यदि एक आर्टरी है तो उस आर्टरी का डायग्राम मैं यदि बनाता हूं तो वो आर्टरी का ये डायग्राम है, ठीक है, ये आर्टरी का डायग्राम है। तो आर्टरी के अंदर में जो ब्लड फ्लो करने के लिए जो जगह होता है विद्यार्थियों वो बहुत पतला होता है, आर्टरी स्वयं पतला होता है, ठीक है। आर्टरी का देखा जाए तो आर्टरी पतला यानी कि थिन होता है, लेकिन इसका जो वॉल है विद्यार्थियों, इसकी जो दीवार है, ठीक है, इसकी जो दीवार है ये दीवार थिक है यानी कि मोटी है, ठीक है। इसकी दीवार क्या विद्यार्थी देखिए, इसकी दीवार जो है इतनी मोटी है और यहाँ से इस रास्ते से ब्लड जो है वो फ्लो करता है, तो ये लंबा इस तरह से पाइप होगा और यहाँ बीच से ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। तो आर्टरी क्या है तो पतला, ठीक है, लेकिन उसका दीवार क्या है, उसका वाल क्या है, उसका वाल मोटा है। मोटा क्यों है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों ये मोटा तो है, साथ ही साथ ये आर्टरी पाया जाता है हमारे मांसपेशियों के बहुत अंदर, ठीक है, ऊपरी भाग में ये आपको आर्टरी नहीं मिलेगा, ये अंदर मांसपेशियों में, इनर मसल्स में, यानी कि अंदर मांसपेशियों में ये पाया जाता है, अंदर मांसपेशियों में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये मैं किसकी बात कर रहा था, बात कर रहा था आर्टरी की। आर्टरी की और एक और विशेषता है कि आर्टरी हमेशा ब्लड को हृदय से दूर लेकर जाता है, धमनी जो है वो ब्लड को हृदय से दूर लेकर जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए, हृदय से दूर फेफड़ों तक लेके गया, यहां से आर्टरी है जिसे हम एओर्टा कहते हैं, महाधमनी कहते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, हृदय से दूर लेकर जा रहा है। तो ये आर्टरी क्या करता है, ब्लड को हृदय से दूर लेकर जाता है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों वेन की यानी कि सिरा की, ठीक है, हमने बात की अभी आर्टरी की, अब बात होगी वेन की। वेन जो है विद्यार्थियों, वेन में हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है यानी कि इम्प्योर ब्लड प्रवाहित होता है, ठीक है। हजारों
सिराओं में, यानी हजारों वेन्स में एक अपवाद है, यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, और इसमें एक्सेप्शन है विद्यार्थियों, जिस तरह से यहां पर था पल्मोनरी आर्टरी, उसी तरह से यहां पर एक्सेप्शन है विद्यार्थियों पल्मोनरी वेन, यानी कि फुफ्फुस फुफ्फुसिरा। फुफ्फुसिरा क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है, यानी कि वो उस नियम को नहीं मानता है जो बाकी सिराएं मानती हैं। बाकी सिराएं क्या मानती हैं? वो हमेशा अपने अंदर अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है यानी फुफ्फुस सिरा जो है वो अपने अंदर किस ब्लड को फ्लो कराती है? तो ये शुद्ध ब्लड को, यानी कि शुद्ध रक्त को, यानी कि प्योर ब्लड को प्रवाहित करती है। ये पल्मोनरी वेन कहाँ है? तो विद्यार्थियों यहां से आए ये पल्मोनरी आर्टरी और इसमें आया इम्प्योर ब्लड, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? लंग्स में यहां पर प्यूरिफिकेशन हुआ, यानी कि शुद्धिकरण हुआ, ठीक है। किसका हुआ शुद्धिकरण? तो रक्त का। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और ऑक्सीजन घुल गया, तो यहां से जो पाइप निकलता है विद्यार्थियों ये प्रवेश करता है इस भाग में, ठीक है। तो यहां पर ये प्रवेश किया, तो ये जो हमारा पाइप है विद्यार्थियों, ये जो ब्लड वेसल है, ये जो रक्तवाहिका है, यही रक्तवाहिका क्या है? यही है हमारा पल्मोनरी वेन। और इसमें कैसा रक्त प्रवाहित हो रहा है? तो यहाँ शुद्धिकरण हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ऑक्सीजन घुल गया है, तो यहाँ पर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो पल्मोनरी वेन, ये जो पल्मोनरी वेन है ये क्या है? अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसमें कैसा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। बाकी पल्मोनरी वेन में कैसा होता है? उसमें अशुद्ध रक्त, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज विद्यार्थियों, इस पल्मोनरी वेन की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये आर्टरी से मोटा होता है। आर्टरी जैसे मैंने इतना मोटा लिया आर्टरी, वेन जो है वेन इतना मोटा होगा, ठीक है, ये मोटा है वेन, लेकिन इसकी जो दीवार होगी वो काफी पतली होगी, ठीक है। मान के चलिए ये इसकी दीवार है, ये इसकी दीवार है, और ये जो बीच रास्ता है इसमें ब्लड फ्लो करता है, तो देख सकते हैं इसका दीवार इतना मोटा और इसका दीवार इतना पतला, लेकिन वेन मोटा है। वेन टोटल में जो वेन है यानी कि सिरा है ये क्या है? ये मोटा है, ठीक है, वेन जो है वो मोटा है, ठीक है, लेकिन इसका जो दीवार है, इसकी जो भित्ति है, ठीक है, भित्ति यानी कि वॉल जो है वो कैसे इसकी पतली है, ठीक है। वेन जो वेन की जो वॉल है, जो दीवार है, वो कैसी है? पतली है। साथ ही साथ विद्यार्थियों, वेन जो है वो हमारे शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है, ठीक है, त्वचा के जस्ट नीचे। हाथों में यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ दिखाई देगा पतला पाइप सा, ठीक है, ये क्या है विद्यार्थियों? ये वेन है। जब सलाइन चढ़ाया जाता है, ठीक है, किसी को चक्कर आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, शरीर में ताकत ना रहे, तो ऐसी स्थिति में सलाइन चढ़ाया जाता है, तो सलाइन को जो डाला जाता है वो वेन में डाला जाता है, यानी कि सिरा में, तो सिरा ऊपर होता है, आसानी से पकड़ में आ जाता है। हम जो नब्ज यहाँ देखते हैं, ठीक है, वो भी क्या है विद्यार्थियों? यहाँ पर सिरा होता है, जो जिसमें ब्लड फ्लो हम आसानी से देख पाते हैं। तो सिरा ऊपर या पैरों में देखेंगे तो पैरों में भी आपको ये पैर है, तो यहाँ पर आपको जो दिखाई देगी पतले पतले पाइप वो क्या होगा विद्यार्थियों? वो वेन होगा, यानी कि सिरा होगा। तो जो वेन है ये शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है, शरीर के ऊपरी भाग में। जो त्वचा है, त्वचा के ठीक नीचे, ठीक है, त्वचा के ठीक नीचे ये पाया जाता है, ठीक है, और ये कैसा है? मैंने बताया ये मोटा है। साथ ही साथ विद्यार्थियों, वेन की यदि बात की जाए तो वेन हमेशा ब्लड को हृदय की ओर लेकर जाता है, ठीक है, ब्लड को हमेशा किधर लेके जाएगा? तो हृदय की ओर, यानी कि टुवर्ड्स हार्ट, तो हृदय की ओर लेकर जाता है कौन? वेन, यानी कि सीरा। तो मैंने जिन चीजों को अभी बताया विद्यार्थियों, इन चीजों को समझिए अच्छे से, और इसे ऐसा समझिए कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। हमारे शरीर में कितने प्रकार के पाइप हैं? दो प्रकार के, सिरा और धमनी। किस कौन सा मोटा है, सिरा या धमनी? मोटा है सिरा और धमनी पतली है।
धमनी पतली है, सिरा मोटा है, ठीक है। अब भित्ति किसकी मोटी है? भित्ति मोटी है धमनी की, और सिरा का जो भित्ति है वो पतला है। किसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है? वेन में, यानी कि सिरा में। अपवाद कौन है? पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस सिरा। किसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है? पल्मोनरी सॉरी आर्टरी में शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। इसमें अपवाद क्या है? अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कैसा रक्त प्रवाहित हो रहा है? तो इसमें प्रवाहित हो रहा है अशुद्ध रक्त। हमारे शरीर के मांसपेशियों के बहुत अंदर क्या पाया जाता है? सिरा या धमनी। तो मांसपेशियों के बहुत अंदर पाया जाता है धमनी, और त्वचा के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? सिरा। हम शरीर के ऊपर से किसे देख पाते हैं, सिरा को या धमनी को? त्वचा के ऊपर से तो हम देख पाते हैं सिरा को। कौन है जो रक्त को हृदय की ओर लेकर जाता है, सिरा या धमनी? आंसर सिरा। और कौन हृदय से दूर लेकर जाता है, तो हो गया धमनी। किसमें शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त प्रवाहित होता है, तो हो गया धमनी। तो इस तरह से इन सभी चीजों के बारे में हमने समझा विद्यार्थियों। जो जो भी चीज मैंने आपको बताया है, इन सभी चीजों को आप लिखेंगे। लिखिए, हेडिंग जाएगा आपका ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिका, उसमें लिखेंगे ब्लड वेसल किसे कहते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले वह पाइप जिनमें रक्त प्रवाहित होता है, उसे रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल कहा जाता है। फुल स्टॉप। यह दो प्रकार के हैं, हाइफन देकर लिखेंगे, वेन एंड आर्टरी यानी कि सिरा और धमनी। इसे इंग्लिश में यदि लिखना चाहें तो ब्लड वेसल का डेफिनेशन, द पाइप्स थ्रू विच ब्लड flows in our body, the pipe through which blood flows in our body is called as blood vessels. Full stop. It is of two types, vein and artery. उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थियों, heading देंगे सिरा, उसमें लिखेंगे इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, फुल स्टॉप। फुफ्फुस सिरा अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, इंग्लिश में लिखेंगे When, when का definition, in these blood vessels, impure blood flows. In these blood vessels, impure blood flows. Full stop. Pulmonary vein
is an exception. We'll stop. In this blood vessel, pure blood flows. नीचे स्टार देंगे, स्टार बनाकर लिखेंगे विद्यार्थियों. सिरा मोटी होती है परंतु उसकी भित्ति पतली होती है. इंग्लिश में लिखना चाहें तो वेंस आर थिकर बट इट वॉल्स आर थिनर. बट इट वॉल्स आर थिनर. अगले पॉइंट भी लिखेंगे विद्यार्थियों. सिरा त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है. सिरा त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है. इंग्लिश में लिखेंगे when is found just below the skin. अगला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों. सिरा के द्वारा रक्त हमेशा हृदय की ओर प्रवाहित होता है. By the help of when blood flows towards heart. अगला हेडिंग विद्यार्थियों, धमनी यानी आर्टरी. उसमें आप लिखेंगे डेफिनेशन धमनी की. इस रक्तवाहिका में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है. फुल स्टॉप. फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है. फुल स्टॉप. इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है. इंग्लिश में लिखना चाहें तो आर्टरी का डेफिनेशन, द ब्लड वेसल इन विच प्योर ब्लड फ्लोस. पल्मोनरी आर्टरी is an exception. Full stop. In this, impure blood flows. अगले पॉइंट में लिखेंगे
धमनी पतली होती है, परंतु इसकी भित्ति मोटी होती है। इंग्लिश में लिखेंगे, आर्टरीज आर थिनर बट इट्स वॉल्स आर थिकर। अगले पॉइंट में लिखेंगे, धमनी त्वचा के नीचे मांसपेशियों में पाई जाती है, और शरीर के ऊपर से दिखाई नहीं देती है। इंग्लिश में लिखेंगे, आर्टरीज आर फाउंड इन द मसल्स बिलो स्किन एंड इज नॉट विजिबल ऑन आवर बॉडी। अगला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों, धमनी रक्त को हृदय से दूर शरीर के भागों की ओर ले जाती है। इसे लिखेंगे आप इंग्लिश में, आर्टरी टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन्स। तो विद्यार्थियों, हमने अभी ब्लड वेसल यानी कि रक्तवाहिका के बारे में देखा। हमारा अब जो अगला टॉपिक होगा विद्यार्थियों, वह है ब्लड प्रेशर। नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में भी, ब्लड प्रेशर इसे हिंदी में रक्त दाब या फिर रक्त चाप कहा जाता है। ब्लड प्रेशर, रक्त दाब या रक्तचाप, ठीक है। आप भी सुनेंगे विद्यार्थियों कि हमारे शरीर में ब्लड का एक प्रेशर होता है, उससे यदि बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हाई बीपी, ठीक है। आप सुनते होंगे अपने आसपास में, इसको बीपी, इसका बीपी हाई हो गया है, या कोई कहता है कि मेरा बीपी मत हाई करो, ठीक है। तो किसी का बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो कैसे हो जाता है, उसके पहले विद्यार्थियों आपको समझना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। और हाई ब्लड प्रेशर को मापा भी जाता है, कहते हैं इसका 180 बटा ये है, 180 बटा वो है, 170 बटा है, 180 बटा है, 160 बटा है, 190 बटा है। तो वो जो हम कहते हैं विद्यार्थियों कि इसका ब्लड प्रेशर इतना है, यानी कि वैल्यू देख करके हम बताते हैं, नंबर देख करके इसका बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ हम कब जानेंगे, जब हम सामान्य को जानेंगे कि हाँ सामान्य कौन सा है,
ठीक है, सामान्य ब्लड प्रेशर जो है वो इतना है तो इससे ज़्यादा हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इससे कम हो गया तो ये लो ब्लड प्रेशर हो गया। तो आपको ये जानना पड़ेगा विद्यार्थियों कि पहला चीज़ ब्लड प्रेशर होता क्या है, दूसरा चीज़ सामान्य ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर यानी कि एक प्रकार का प्रेशर। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर है तो ये जो है ये प्रेशर अप्लाई कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, प्रेशर अप्लाइड बाय ब्लड। चलिए ये तो पता चल गया कि ब्लड प्रेशर है, प्रेशर ब्लड ही अप्लाई कर रहा है, रक्त ही उस दाब को उत्पन्न कर रहा है। अगली चीज है विद्यार्थियों कि ये ब्लड प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, क्या हार्ट में हो रहा है या हार्ट के बाहर हो रहा है, तो धमनी में हो रहा है या सिरा में हो रहा है, किस में हो रहा है। तो विद्यार्थियों ये जो ब्लड प्रेशर जो प्रेशर अप्लाई करता है ये अप्लाई होता है वेंस एंड आर्टरीज, क्या दोनों में, तो जवाब जाएगा हाँ, वेंस और आर्टरीज यानी कि जो हमारा सिरा और धमनी है दोनों में प्रेशर अप्लाई होगा। जिस प्रकार से विद्यार्थियों आप देखते होंगे यदि खेतों में पटाने के लिए टुल्लू पंप वगैरह का यूज़ किया जाता है, मोटर का यूज़ किया जाता है, तो उस मोटर से पाइप निकलता है जो खेतों तक जाता है, इस पाइप में जब पानी बहता है तो ये पाइप फूल जाता है। फूल क्यों जाता है, क्योंकि पानी जो है वो इसके ऊपर में प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसलिए वो पाइप जो है वो फूल जाता है। यदि आप उस पाइप के ऊपर छेद कर दें तो वहाँ से पानी बाहर निकलने लगा, क्यों, क्योंकि ये पानी बाहर निकलने के लिए प्रेशर अप्लाई कर रहा था दीवारों पर, लेकिन दीवार मजबूत थी, कोई छिद्र नहीं था, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन यदि हम कोई कील को चुभाते हैं, वहाँ पर यदि हम एक छिद्र करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से पानी बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, क्यों, क्योंकि वो प्रेशर अप्लाई कर रहा था। तो इसी प्रकार का प्रेशर अप्लाई होता है हमारे रक्तवाहिकाओं में, और रक्तवाहिका कितनी है, दो है, वेंस और आर्टरी। ठीक है, तो इन दोनों में प्रेशर यानी कि दाब उत्पन्न होता है, दाब लगाया जा रहा है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। तो मान के चलिए ये हमारा आर्टरी है और ये हमारा वेन है और यहाँ से ब्लड लगातार फ्लो कर रहा है, तो इधर में दीवारों पर एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है और इसी प्रेशर को हम कहते हैं क्या, ब्लड प्रेशर। ठीक है, इन्हीं सारे प्रेशर को ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब कहा जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, अब ये रक्त दाब को मापा जाता है कि किस में कितना है, ये मैंने बताया ये आर्टरी है यानी धमनी है और ये वेन है यानी सिरा है। तो विद्यार्थियों आर्टरी चूंकि पतली है इसलिए इसमें प्रेशर अधिक होता है। नॉर्मल आदमी का, ठीक है, किसी नॉर्मल व्यक्ति का यदि हम बीपी नापते हैं तो आर्टरी का जो बीपी होता है वो होता है 120 mmHg। नॉर्मल व्यक्ति का आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg। नॉर्मल व्यक्ति के सिरा में जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। ठीक है, तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया विद्यार्थियों, यहाँ से हम कह सकते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हो गया 120/80। तो 120 किसका प्रेशर शो कर रहा है, ये प्रेशर शो कर रहा है किसका, बताइए, प्रेशर ऑफ आर्टरीज, और ये 80 किसका है, प्रेशर ऑफ वेंस। ठीक है, जिस समय ये आर्टरीज में प्रेशर लगता है विद्यार्थियों उस समय हृदय में होता है सिस्टॉल यानी कि प्रकुंचन, तो हम कह सकते हैं ये सिस्टॉल के द्वारा उत्पन्न प्रेशर है, तो ये सिस्टॉलिक प्रेशर हो गया और ये जो है 80 mmHg ये डायस्टॉल के समय होता है, जब हृदय फैलता है उस समय रक्त आता है, तो किससे आता है, वेन से यानी कि सिरा से, तो ये होता है डायस्टॉलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर विद्यार्थियों वो है 120/80 120/80। अब विद्यार्थियों आपको ब्लड प्रेशर पता चल गया और ये भी मैंने आपको बता दिया कि
ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, कैसे हम ब्लड प्रेशर को जानते हैं। अब विद्यार्थियों आप सुनते होंगे किसी का किन्हीं का हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, यानी कि हाई बीपी हो गया, ठीक है। तो आखिर ये हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है विद्यार्थियों, सोच के बताइए। यदि आपको पहले से कुछ पता है तो अंदाजा लगे कि क्यों हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है। विद्यार्थियों समझिए ये चीज को, जैसे मान के चलिए वो आर्टरी है, ये आर्टरी है, यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यदि इस आर्टरी में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, यहाँ पर कुछ जाम लग जाए, ठीक है, अब इस जाम के कारण रास्ता बहुत पतला हो गया, तो जब बहुत पतला हो जाएगा तो यहाँ पर जो प्रेशर है विद्यार्थियों वो बढ़ जाता है और इसी को कहा जाता है हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई बीपी में रास्ता बंद किसके कारण होता है विद्यार्थियों, ये बंद होता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जाता कैसे है, तो ये जाता है ऑयली फूड्स यानी तैलीय भोजन के द्वारा, पूरी कचौड़ी जलेबी मांस मछली दूध, दूध में नहीं मांस मछली इत्यादि में जिसमें डालडा ज़्यादा है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ठीक है। बाकी सभी चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल होता है लेकिन कम होता है, रिफाइंड ऑयल में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो भी ऑयली फूड है विद्यार्थियों उनमें पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो यदि हम ऑयली फूड को खाते हैं ये ऑयली फूड का कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है किससे, आर्टरीज यानी कि धमनी के दीवार से, रास्ता पतला हो जाता है, ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, इसको कहा जाता है हाई बीपी, ठीक है, ये हाई बीपी है। किन्हीं को लो बीपी भी रहता है, तो लो बीपी कब होगा विद्यार्थियों, मान के चलिए किसी कारण से ये धमनी चौड़ी हो गई, धमनी इतनी थी ये धमनी इतनी हो गई चौड़ी हो गई, तो यहाँ जो ब्लड प्रेशर हो गया विद्यार्थियों, पहले तो 120 था, हो सकता है कि अब ये 90 mmHg हो, तो ये क्या हो गया, ये लो ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। या फिर कई सारे बीमारियों के कारण बीपी लो हो जाता है, कभी हमारे शरीर में यदि खून की कमी हो जाए तो बीपी लो हो जाएगा, हमारे शरीर में यदि पानी की कमी हो जाए तो बीपी लो हो जाएगा। तो लो बीपी अलग अलग कारण से होता है, हाई बीपी भी कई कारणों से, जिसमें से सबसे मुख्य प्रमुख जो है वो है कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल ही है जो हाई बीपी का कारण होता है। तो लिखेंगे विद्यार्थियों हेडिंग ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब या रक्तचाप, इसके बारे में लिखेंगे द प्रेशर, यदि हिंदी में लिखना चाहें तो पहले हिंदी में मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप लिखिए रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं ब्रैकेट में लिखिएगा सिरा और धमनी पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है या रक्तचाप कहलाता है। उसके नीचे लिखेंगे विद्यार्थियों नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हिंदी में आप लिखना चाहें तो सामान्य रक्तचाप इक्वल्स टू 120/80, आप इसे नीचे में लिख लेंगे। इंग्लिश में लिखना चाहें तो ब्लड प्रेशर के बारे में लिखेंगे द प्रेशर अप्लाइड बाई ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स और ब्रैकेट में लिखेंगे वेन्स एंड आर्टरीज इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। उसके नीचे लिखेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर इक्वल्स टू 120/80। उसके नीचे लिखेंगे mmHg प्रकुंचन के दौरान उत्पन्न होता है, 120 mmHg
प्रकुंचन के दौरान उत्पन्न होता है, तथा अस्सी एमएम एचजी अनुशिथिलन के दौरान होता है। इंग्लिश में लिखेंगे 120 एमएम एचजी प्रेशर इज अप्लाइड ड्यूरिंग सिस्टॉल एंड 80 एमएम एचजी प्रेशर इज अप्लाइड ड्यूरिंग डायस्टॉल। उसके नीचे हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हिंदी में कहा जाता है उच्च रक्तचाप, इसमें लिखेंगे यदि रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाए तो उसे उच्च रक्तचाप कहा जाता है। इफ ब्लड प्रेशर इज हायर देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर कॉमा इट इज कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। हिंदी में लिखेंगे उसके आगे उच्च रक्तचाप का कारण कोलेस्ट्रॉल का रक्त वाहिकाओं में जमाव है। उच्च रक्तचाप का कारण कोलेस्ट्रॉल का रक्त वाहिकाओं में जमाव है। इंग्लिश में लिखेंगे द रीजन फॉर हाई ब्लड प्रेशर इज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड वेसल्स। और आखिरी टॉपिक विद्यार्थियों, निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया, लो ब्लड प्रेशर लिखना है, लो ब्लड प्रेशर हिंदी में इसको लिखते हैं हम निम्न रक्तचाप। इसके बाद हम लिखेंगे यदि रक्तचाप सामान्य से कम हो तो उसे निम्न रक्तचाप कहा जाता है। फुल स्टॉप। इसका कारण बीमारियां कमा खून की कमी कमा पानी की कमी इत्यादि होती हैं। इसका कारण बीमारियां कमा खून की कमी तथा पानी की कमी होती है। इंग्लिश में लिखेंगे इफ द ब्लड प्रेशर इज लोअर देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर इट इज कॉल्ड एज लो ब्लड प्रेशर। फुल स्टॉप। द रीजन बिहाइंड दिस इज डिजीजेस कॉमा लेस ब्लड इन बॉडी कॉमा लेस वाटर इन ब्लड एटसेट्रा। तो विद्यार्थियों, हमने अभी
ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में जाना। अगले कक्षा में विद्यार्थियों हम दिल के दौरे के बारे में यानी हार्ट अटैक के बारे में जानेंगे। तब तक विद्यार्थियों आप इन सभी चीज़ों को पढ़ते रहिए और साइंस का मजा, साइंस का आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।